तो वसम गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल स्नैपसीड ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा वो भी स्नैपसीड ऐप का यूज करके कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप सेम ऐसा फोटो को एडिट कर ही लेंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज आप लोग को स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना होगा। अगर आपके पास ये वाला ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इजीली आके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से प्लस के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और कर लेने के बाद आपकी गैलरी की सारी फोटोज आप लोग के सामने शो हो जाएगा। तो जिस भी फोटो को आपको एडिट करना उस फोटो को आप अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और गाइज इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं। तो मैंने अपने गैलरी से इस फोटो को ओपन कर लिया है और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताएगा। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वाले स्टेप में साइड में इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर ही आपको कोने में एक ट्विन इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पे हम लोग ऐसे टैप कर देंगे और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे। और सिंपल से हम लोग नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करेंगे, व्यू एडिट के आइकन, और यहाँ पे ट्विन इमेज पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट करके इस वाले आइकन पे ऐसे टैप कर देंगे। साइज हम लोग का यहाँ पे 0 मिल जाएगा। फोटो को ऐसे पूरा जूम कीजिएगा और पूरा जूम कर लेने के बाद आप अपने स्क्रीन पे ना कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ कीजिएगा। मैं भी गाइस फटाफट से अपने पूरे स्क्रीन पे इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। जो वसम गाइज ऐसे आप अपने स्क्रीन पे से हटा लेने के बाद सिंपल से आप लोग को नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से बैक आना होगा। और बैक आने के बाद आपका पहला स्टेप कम्प्लीट हो जाएगा और आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी स्क्रीन को वाइट करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो उसके लिए पेंसिल के आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे और कर लेने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आप लोग के सामने एक ड्रामा का आइकन देखने को मिलेगा। तो ड्रामा के आइकन पे आप ऐसे टैप कर दीजिएगा और टैप कर लेने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो सिंपल से आप ड्रामा 1 को सिलेक्ट करके इसकी फिल्टर स्ट्रेंथ की वैल्यू ना ऐसे कम करके प्लस साइड में 41% कर लीजिएगा, नीचे आके इसकी सैचुरेशन को कम करके -33 करके और सिंपली नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे टैप कर दीजिएगा, ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, व्यू एडिट के आइकन, और यहाँ पे ड्रामा पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। साइज आप यहाँ से 100% कर लीजिएगा। फोटो को ऐसे जूम करके और आप अपने स्क्रीन पे इसे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। फटाफट से जब आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपका स्क्रीन यहाँ से वाइट हो जाएगा काफी अच्छी सी। तो फटाफट से आप अपने पूरे स्क्रीन पे इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं भी गाइस कर लेता हूँ, फिर आगे का स्टेप मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। गाइज ऐसे कर लेने के बाद आपको सिंपली नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से बैक आना होगा और बैक आने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग का स्क्रीन देख सकते हैं कहीं कहीं पे ब्लैक है, तो इसको भी व्हाइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और आप लोग के सामने एक सिलेक्ट टू का आइकन देखने को मिलेगा। तो सिलेक्ट टू के आइकन पे ऐसे टैप करेंगे और अपने हैंड पे ऐसे कुछ इस टाइप से इसे सिलेक्ट करके दोनों फिंगर से पकड़ के छोटा करेंगे, ब्राइटनेस की वैल्यू इंक्रीज करके नीचे आएंगे, सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज कर देंगे, नीचे साइड में प्लस के आइकन पे टैप करेंगे और इस वाले हैंड पे भी सेम प्रोसेस हम कर लेते हैं। और आप लोग भी ऐसे फटाफट से सभी जगह पे कर लीजिएगा और कर लेने के बाद आप लोग को नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। और ये सारी चीजें कर लेने के बाद आपकी पूरी स्क्रीन ना कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो आफ्टर बिफोर आप अपनी फोटो को यहां से देख सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, अपनी स्क्रीन को ना मतलब स्मूथ करने वाले बहुत ही प्रोफेशनल लेवल से और आपका स्क्रीन अब फुल HD में स्मूथ होगा। तो उसके लिए आपको पेंसिल के आइकन पे टैप करना होगा और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद आप लोग के सामने एक लेंस ब्लर का आइकन मिलेगा। तो लेंस ब्लर के आइकन पे टैप करके और इसे पकड़ के ऐसे नीचे साइड में रख दीजिएगा और रख लेने के बाद सिंपल से नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे टैप कीजिएगा, व्यू एडिट के आइकन, और यहाँ पे आप लोग लेंस ब्लर पे क्लिक करके ब्रश को
सिलेक्ट करके और साइज को यहाँ पे इंक्रीज करके 75 रखिएगा। फोटो को ऐसे आप पूरा जूम कर लीजिएगा और जूम कर लेने के बाद आपको अपने स्क्रीन पे ना कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ करना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे फटाफट से अपने पूरे स्क्रीन पे ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर आगे का स्टेप मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और ऐसे कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से बैक आ जाइएगा। और बैक आने के बाद हम लोग का जो भी काम था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस कपड़े की कलर को चेंज करने के लिए सिंपल से पेंसिल के आइकन पे टैप करेंगे, डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक कर देंगे, प्लस के आइकन पे टैप कर देंगे। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कलर पैनल का लिंक दे दिया है, तो ईजिली जाके आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं फटाफट से उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और लेने के बाद आप लोग को नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेगा, तो बीच वाले पे टाइप करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और नीचे साइड में राइट क्लिक कर दीजिएगा। ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, व्यू डिट के आइकन, और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। साइज आप यहाँ से 100% कर लीजिएगा। फोटो को ऐसे आप पूरा जूम कर लीजिएगा। पूरा जूम कर लेने के बाद आप अपने पूरे कपड़े पे ना इसे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। मैं भी गाइस फटाफट से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आगे का स्टेप मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। ऐसे गाइस कर लेने के बाद आपको सिंपली नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाइएगा। और बैक आने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो एक स्टेप और आप वीडियो को देख लीजिएगा, आप कंप्लीट एडिटिंग सीख जाएंगे। सिंपल से पेंसिल के आइकन पे टाइप कीजिएगा और डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। और इस वाले बैकग्राउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो इजीली जाके इस बैकग्राउंड को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और लेने के बाद इसकी ओपेसिटी के आइकन पे आके ओपेसिटी को 100% करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा। ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, व्यू डिट के आइकन, और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को सेलेक्ट करके साइज यहाँ पे इंक्रीज करके 100% कर लीजिएगा। फोटो को ऐसे आप पूरा जूम कर लीजिएगा। पूरा जूम कर लेने आपको अपनी बॉडी को छोड़ के ना बॉडी के साइड से कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं भी गाइस फटाफट से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आगे का स्टेप मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। वसम गए जैसे ही आप अपने पूरे बैकग्राउंड पे इसे ड्रॉ कीजिएगा तो आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से आप लोग नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाइएगा। और बैक आने के बाद ना आपकी कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगी। उससे पहले फोटो को सेव करने से पहले आप क्या कीजिएगा ना, पेंसिल के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पोर्ट्रेट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। स्मूथ टू यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। फेस स्पॉट लाइट को आप इंक्रीज कर लीजिएगा, प्लस साइड में 27% और नीचे आके स्किन स्मूथनेस को 100% करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग करते ही आप कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस वीडियो को अगर आप कुछ भी सीखने को आप लोगों को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फोटो को सेव करने के लिए डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके सिंपल सेव क्लिक कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।